ख्वाहिशात जो हैं उनका क्या किया जाए, क्या किया जाए, पूरा किया जाए। हाँ, पूरा करने के स्टेप्स हैं। नॉट सेइंग कि ख्वाहिशात का मतलब ये कि मैं कहूँ कल को कि जी मुझे सॉलिटेयर चाहिए। ख्वाहिशें हक नहीं है। मैं कहीं पर भी जाऊँ तो मेरे साथ जाया जाए, चाहे वो बीवी कह रही हो। So we are here in Masjid Jamkara in Qom, Iran. और हम दोनों यहाँ पे इस मस्जिद के सहन में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, सोच रहे थे, तदब्बुर कर रहे थे कि अपने स्पाउसेस की, अहलिया की, अपने खावन की ख्वाहिशात जो हैं उनका क्या किया जाए, क्या किया जाए, पूरा किया जाए। हाँ, पूरा करने के स्टेप्स हैं। पहले तो ये है कि ख्वाहिशों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ख्वाहिशें हक नहीं हैं। ख्वाहिशें एक ह्यूमन डिज़ायर जो उनसे है ना, वो एम्बेडेड है हमने और डिज़ायर्स को ही कम करने की स्ट्रगल है सारी की सारी। अब इसमें काफ़ी सेग्रीगेशन हैं, कुछ ख्वाहिशात जायज़ करार दे दी गई हैं और कुछ ख्वाहिशात जो उनसी हैं वो दुनियावी तौर पे नाजायज़ हैं और आखरत में वो जायज़ करार दे दी जाएंगी। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ख्वाहिशों की गुलामी अच्छी चीज़ नहीं है। दैट्स वन। ये अपनी ज़ात के लिए, आपके स्पाउस के लिए नहीं है। इज्जत जब आप किसी की करते हैं तो उसका एंथ लेवल मेरे नज़दीक यही है कि आप किसी की ख्वाहिश उसके कहे बगैर पूरी करते हैं। और मतलब उसको कहने की जरूरत ना पड़े कि मुझे ये चाहिए या मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ। वो बड़ी चीज़ें नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी अहलिया चाहती हो कि आप उनके साथ बैठ के खाना खा लें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। इट कैन बी एनीथिंग, राइट? बट द की इज बच्चों के साथ वक्त गुजारा जाए। द की इज के कह के भी करवाया तो क्या करवाया। सो मेरा मानना ये है। अच्छा शिराज, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक दूसरे की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी एफर्ट करो तो मुझे लगता है कि रिश्ते बहुत बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने एफर्ट ख्वाहिशात को भी पूरा करना है, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश करें कि आपने जब अगला बंदा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू गॉट टू बी अटेंटिव। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ख्वाहिशात का मतलब ये कि मैं कहूँ कल को कि जी मुझे सॉलिटेयर चाहिए या मुझे, अभी अल्लाह का शुक्र है हमने घर बनाया, अब हमें इससे बड़ा घर चाहिए। देयर इज नो एंड टू दिस। हां, ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं, बट देयर आर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट मैटर टू ईच अदर। मसलन फॉर एग्जांपल, शिराज के लिए शायद इतनी बड़ी बात होती है कि मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, ये भी ख्वाहिश है ना। आई डोंट लाइक टू हैव फूड अलोन। ये भी ख्वाहिश है कि मैं कहीं पर भी जाऊं तो मेरे साथ जाया जाए, चाहे वो बीवी कह रही हो, बच्चों के साथ वक्त गुजारा जाए, डिस्कशन की जाए, बात की जाए। ये कम्युनिकेशन ले दे के मेरी जिंदगी में एक ही ख्वाहिश इंसानी रिश्तों को लेके कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। और जब आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, आप ईयर मार्क करें चीज़ों को और आप याद रखें, इज्जत यही है कि जब आपको किसी ने तो बात बताई हुई है तो उसको बार बार वो बात बतानी ना पड़े आपको, एक दो दफ़ा सुन के और ये आप रजिस्टर कर लें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो या तो हमारे रिश्तों को बनाती हैं और यही वो चीज़ें होती हैं जो हमारे रिश्तों को ब्रेक करती हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, सिंस यू आर सिटिंग इन मस्जिद जमकरान, इट मीन्स अ लॉट टू मी टू बी हियर। और मैं ज़िंदगी में कई दफ़ा पहले आई हूँ, मगर शिराज को इस चीज़ की अहमियत का एहसास था और इसकी सिग्निफिकेंस को वो समझते थे,
तो चाहे उनका इंटरेस्ट था या नहीं था, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मेरी बीवी के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सो अगर ये चीज़ बीवी के, बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं कि अगर मैं शिराज के साथ कोई उनकी किसी पसंद की चीज़ पे चली गई हूँ तो मैंने मैं उनके लिए तब्दील हो गई हूँ, या अगर आप मेरे साथ कहीं आ गए हैं तो आपकी तरफ से कोई कन्वर्जन हो गई है। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी बात करते हैं कि वो थे बुड्ढी के पीछे लग गए थे, वो तो अपने घर वालों को छोड़ बैठी है, वो अपने क्लैन को नहीं मिलती, ठीक है, वो इधर टाइम नहीं देती, उधर नहीं देती। हम सब अपनी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इसी तरह से हम अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, और इट्स जस्ट दैट कि हम एक दूसरे के इंटरेस्ट को, एक दूसरे की जो प्रायोरिटीज हैं या रिलीजियस इंटरेस्ट हैं, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट हैं, उनको चेरिश कर रहे हैं और उनको उनके मददगार हैं। जैसा कि इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है, कंपेनियनशिप है क्या, स्पाउस सिलेक्शन है क्या, समझने की ज़रूरत यह है कि जो आपका स्पाउस है वो आपकी अल्लाह की अतात में और उसकी इबादत में और आपके वो नेक काम जिनका तायुन आपके लिए अल्लाह ने किया है उसमें आपका मददगार हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। सो दिस इज द कंपेनियनशिप। और मैं आपकी बात को बढ़ा के यहाँ पे बात ख़त्म कर दूंगा कि जब स्पाउसेस की बात आती है, स्पाउस की बात आती है, इट इज़ नॉट एन इलेक्शन, इट इज सिलेक्शन, एज शी सेड, कि आपने कोई ऐसा शख्स नहीं ढूंढना जिसमें ये खासियत भी होगी और वो खासियत भी होगी। You need to choose someone and make them right for yourself. Absolutely. And for me, one of the major reasons why I chose him, because he was loyal, he was truthful. जिसे कहते हैं ना सदाकत और अमानत, ये दो qualities थी जो मैं पहले भी कहती थी, हमेशा से कहती आ रही हूँ, और इससे बेहतर quality नहीं हो सकती। और जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा इंसान, वो आपके हर नेक काम में आपका साथ दे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू दीज प्लेसेस दैट मैटर अलॉट टू मी, एंड इट मीन्स अलॉट, थैंक यू। अपनी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को और अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल बना के उनकी मुश्किल बनाएंगे तो आपकी मुश्किल बन जाएगी। तो मुश्किल ना बनाएं, उनकी ज़िंदगियों को आसान करके अपनी भी आसान करें। भाई मेरे, अपनी बीवी को चूमने में आपकी कोई मैस्कुलिनिटी कम नहीं हो जाती। Embrace your spouses. Once again, thank you so much and thank you all.